हेलो। हाँ दानिश बेटा। जी अंकल। हाँ बेटा बिजी तो नहीं हो? नहीं अंकल। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल वो दानिया की डॉक्यूमेंट्री हम देखना चाह रहे थे तुम्हारे सिनेमा में, आधे घंटे की है, आ जाए? जी आ जाए। थैंक यू बेटा। अच्छा मैं रोहान की फैमिली को भी इन्वाइट कर रहा हूँ, फिर डिनर तुम्हारे साथ ही करेंगे। सही अंकल, आप 2-2.5 घंटे तक आ जाए। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके आते हैं। मामा कैसा लग रहा हूँ मैं? और मेरे कपड़े? कपड़ों का तो तुमने आज तक ईद बकरा ईद पे नहीं पूछा, आज कौन सी खास बात है? कौन है वो? कौन कौन? जिसकी वजह से कपड़ों की फिक्र हो रही है। हद हो गई है। मैं तो कौन है फ्रेडी? सनम। क्या तुम भी सनम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मामा मैं आपसे मामा ची और सनम की बात करने आया हूँ, आप दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। चुगदाई ने भेजा है ना तुम्हें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो सिंपल सी बात का सिंपल सा जवाब चाहिए कि सनम में ऐसी क्या बुरी बात है कि आप मामा जी की शादी उनसे नहीं करवा सकते? अभी तो इतने बड़े नहीं हुए कि हमसे ये सवाल कर सको। मामा जी 2-4 साल में बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़ा हो चुका है, आगे? उन्होंने इस ख्वाहिश के सिवा जिंदगी में आपसे कोई भी ख्वाहिश नहीं की। और मामा जी सनम को कितना पसंद करते हैं इस बात का शायद आपको कोई अंदाजा नहीं हुआ। मामा सनम बहुत अच्छी लड़की है और अब तो उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना भी छोड़ दी है। अगर आपको इससे कोई इशू है तो। रोहन तैयार हुआ है, मैं देखती हूँ। मामा डोंट वरी, आई विल टॉक टू हर। टॉक टू हूँ? सनम। डैड डोंट वरी, मम्मा से बात करूंगा। और किससे?